अभी वेट कर रहा हूँ गगन का। अभी हम जा रहे खाना खाने। मोटा गगन एक घंटा लगा इसने आने में। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम एक वेज रेस्टोरेंट जा रहे हैं, उसमें पूरा। तो हमने डिसाइड करा है कि रेस्टोरेंट हम मेट्रो से जाएंगे। ये चाइना का मेट्रो कार्ड होता है, हालांकि मोबाइल से भी कर सकते हैं। अभी 46 युआन बाकी है। ये बकरा एकदम पूरा खचाखच भरा हुआ है। एग्जिट से बाहर आ गए हैं सिंगफाई फांग से। चाइना में जो बहुत बढ़िया लगती है कि अगर कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता है ना, तो उसके चारों तरफ एक प्रॉपर एरिया ऐसे कवर करके रखते हैं। अभी हम बस का इंतजार कर रहे हैं। क्या शानदार व्यू है। इस जगह पे जाना है हमें। बस का वेट कर रहे हैं। 151 ये आ गई है, तो ये भी जाती है। ये पहुंच गए हैं। ये जो दिख रहा है इनमें से कोई एक दुकान है, अभी देखना पड़ेगा कौन सी दुकान है। ऐसे नॉर्मली चाइना में ऐसी शॉप मिलती नहीं है जहाँ पे हाथ धोने को मिले खाना खाने से पहले। खाना खाने के बाद तो खैर है ही हर जगह पर, इस दुकान में है। ये देखो, ये भी बना वीडियो बनाने लग रहे हैं चौंगे। अब इसमें से चूज़ करना है क्या क्या है करके। एक बार मैं दिखा देता हूँ लेने से पहले क्या क्या मिल रहा है। इधर ये बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं इधर कुछ, ये पता नहीं क्या है, कोई चाइनीज ही है। इधर पता नहीं क्या करने लग रहा है। बहुत फेमस दुकान है ये वैसे होने को तो, सुचाई के लिए। मैं सुचाई मतलब वेज के लिए, वेज को सुचाई बोलते हैं। ये चाइना के टिकटॉक में लगा पड़ा है। इधर ये मियन है, तीन चार तरह के मियन है, चावल है चार पांच तरह के। ये कद्दू है, कद्दू उबाल रखे हैं, ये शकरकंदी उबाल रखी है, पता नहीं क्या है। ये भजिया, ये उबली हुई चीज़। ज़्यादातर सुचाई में यहाँ पे मतलब वेज में यहाँ पे चाइना में उबली हुई चीज़ ही खाते हैं। ये एक टोफू है, इसको शायद मापो टोफू बोलते हैं। ये पता नहीं कौन क्या सब्जी काट रखी है, ये पता नहीं कौन सी साग है। ये फ्रूट्स वगैरह काट के रखे हैं। ये एक और बंदा इधर लगा पड़ा है ऑनलाइन में, टिकटॉक में लगा पड़ा है। इधर ये टोफू के कई टाइप्स के टोफू लग रहे हैं। देखो ऐसे टोफू बनता है यहाँ पे, ये मिर्ची वाले टोफू, ये नॉर्मल टोफू, ये पता नहीं आलू वगैरह है क्या, तीन चार। ये पता नहीं टोस्ट जैसे क्या है। ये अंदर यहाँ पे पूरा किचन है, यहाँ पे ये बनाते हैं। ये एक तरीके का चावल और रखे हैं, ये पता नहीं ब्राउन राइस है शायद क्या है। ये एक तरीके का, और ये भी पाउच है, ये होते हैं पाउच से बोलते हैं यहाँ पे चाइना में, इनको ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं नॉर्मली लोग। वीकेंड पे यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है इन दुकानों में, जो फेमस शॉप वगैरह होती है चाइना में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। अभी हम खाना खा लेते हैं रेस्टोरेंट अंदर से। देखो ऐसा दिखता है बढ़िया, आपको कितनी हरी भरी लग रही है। अभी मैं खा के बता दूँ कैसा लग रहा है। ये बढ़िया है, ठीक है, मसालेदार नहीं है अपने इंडिया की तरह। अभी हम जा रहे हैं सिचीखौ। ये चोनचंग की बहुत पुरानी जगह है, बहुत शानदार और फेमस जगह है। सिचीखौ चोनचंग का बहुत फेमस प्लेस है। ये दिख रहा होगा पुराने जमाने के घर सिचीखौ के।
यार वो रास्ता है जो है यही है क्या? पता चल जाएगा। अरे मेरे को लगा आदमी है।有红娘芝麻叶子，红娘芝麻。